नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। फौज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को कुपवाड़ा जिले के लोलाब में फौज और पुलिस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया। तफसीलात के मुताबिक लोलाब में गोस इलाके के नजदीक सड़क के किनारे पर फौज की गश्ती पार्टी ने बारूदी मवाद पाया। इसके नतीजे में कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। फौज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को किया तलब और सड़क के किनारे बारूदी मवाद को बनाया नाकारा। बारूदी मवाद नाकारा बनाने से एक जोरदार धमाका हुआ, बाद में ट्रैफिक की नकलो हरकत बहाल कर दी गई। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और गुपकार अलायंस के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू होने का खैर मकदम किया। तारिगामी ने इसे मरकजी हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली से किया ताबीर। तारिगामी ने कहा कि सियासी सरगर्मियों का बहाल होना एक खुशाइन कदम। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि गुपकार अलायंस खसूसी पोजिशन के लिए अदालत और अवामी सतह पर अपनी लड़ाई रखेगा जारी। उन्होंने कहा कि 370 और 35 ए के हवाले से जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने हुकूमत को बढ़ती बेरोजगारी और जरे कवानीन पर आड़े हाथों लिया। आजाद ने इल्जाम लगाया कि डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा को डिग्री नहीं दी जा रही है क्योंकि वो बाद में हुकूमत से मांगेंगे नौकरियां। जिला उधमपुर में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के 3 अहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तार अहदेदारों में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी शामिल है। सीबीआई ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर पर मारा छापा। जांच एजेंसी को शिकायत मिली थी कि कुछ अहदेदार किसी काम के 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब कर रहे हैं। अगरचे इंजीनियर 3 लाख तलब कर रहा था मगर बाद में 1.5 लाख रुपए की डील हो गई थी। सीबीआई ने इंजीनियर को रंगे हाथों चेक लेते हुए पकड़ लिया। एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से कोविड से यतीम हुए बच्चों को मुबैना तौर पर फरोख्त करने के मामले ने पूरी वादी कश्मीर को हैरान व परेशान कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की मिशन डायरेक्टर शबनम कामली ने कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामली ने कहा कि बच्चों से जुड़ी किसी भी गैर सरकारी तंजीम को गैर रजिस्टर शुदा पाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ 635 कोविड यतीम बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से यतीम जानों की जांच पड़ताल के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई है। टीम में पुलिस महकमा, माल और ICPS अफसरान शामिल हैं। उन्होंने पुलवामा में चलाए जा रहे यतीम खानों का तफसीली जायजा लिया। बडगाम में अंजुमन शरई शायान की जानिब से जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। आगा सैयद हसन की क्यादत में किए गए एहतजाज में खासी तादाद में लोगों ने की शिरकत। एहतजाजियों के मुताबिक बडगाम टाउन में न ही बिजली रहती है और न ही पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया से लगातार मुतालबा करने के बाद भी कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। बडगाम के दूरदराज इलाके कराल पथरी में आग की वारदात पेश आई। ये आग एक शिप फार्म में लगी थी। आग की वजह से फार्म की इमारत पूरी तरह तबाह। लोगों और फायर अमले की मदद से आग पर पाया गया काबू। वादी में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। तकरीबात कराने पर सरकारी इंतजामियों की तवज्जो मरकूज रही। गूंगे बहरों की अंजुमन वाले भी LG इंतजामिया से नाराज नजर आए। जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद से मुतालिक आलमी दिन के मौके पर जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने गुजर नामी एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से यह तकरीब मुनक्किद की। खासी तादाद में जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद और डिवीजनल इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। मजदूरों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया और यौम सयाह मनाया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर इन लोगों ने हुकूमत की मुबैना नाकामियों को उजागर किया। मुजाहिरीन ने कहा कि जहनी तौर से चैलेंज और नाखेज अफराद के साथ साबिका हुकूमतों ने कई वादे किए थे लेकिन सहूलतें और रिजर्वेशन देने की मांग पूरी नहीं हुई है। एहतजाजियों ने नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा महाना पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जिला इंतजामिया के इश्तराक से कानाबुल में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का अहतमाम हुआ। जिस्मानी तौर पर कमजोर कई बच्चों ने मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम पेश किए। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने कोविड से फौत होने वाले अफराद के लवाहिकीन के हक में
इमदाद वागुजार करने के अमल शुरू किया है। 50,000 रुपए की है इमदाद। डीसी ऑफिस या मुतालिका दफ्तर से राब्ता बनाने की अपील। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए कठुआ में महकमा सेहत पूरी तरह से मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर ए के चौधरी ने कहा कि बैरून मुल्क से लौट रहे मुसाफिरों को लखनपुर में रोका जा रहा है, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं। कोविड के दौर में सामर रेलवे स्टेशन पर भी सभी ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाके के सरपंचों और पंचों के अलावा आम लोगों ने मुजाहरा मुनज्जम किया और इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हॉल्ट बहाल करने की मांग की। श्रीनगर के मकीनों को गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में कई मुकामात पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंपों की शुरुआत की। ऐसा ही एक कैंप इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलोवीव में लगाया गया। लोगों ने बड़ी तादाद में गोल्डन कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। एडीसी गुलजार अहमद ने बताया कि श्रीनगर में 8 लाख से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे। टारगेट हासिल होने तक ऐसे कैंप जारी रहेंगे। कानूनी बेदारी के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर जिला गांधरबल में एक तकरीब मुनक्कद की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ग्रीन कैंपस में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। महकमा इनकम टैक्स ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद स्टॉक होल्डर्स, सनती यूनिट होल्डर्स, ठेकेदारों, दुकानदारों, नौजवान कारोबारियों और दीगर नौजवानों को इनकम टैक्स के हवाले से जानकारी फराहम करना था। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने एहतजाज किया। ये लोग एनसी, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर पार्टियों के लीडरान के हालिया मुतनाजा बयान के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं है, वो आर्टिकल 370 के बारे में झूठ बोलकर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। करगिल में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में रियासती सतह पर एनर्जी कंजर्वेशन 2021 फॉर यूटी के लिए पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये मुकाबला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुनक्कद किया। मशहूर पेंटर लियाकत अली और दीगर नामवर शख्सियात ने की शिरकत। तवानाई के तहफ्फुज़ के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एनएचपीसी ने शुरका में एलईडी बल्ब तकसीम किए। जिला पुलवामा के तिलंगाम और मलिका देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना। लोगों को अक्सर 3-3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके दूसरे इलाकों से गाड़ी फराहम करनी पड़ती है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग के आमडजू इलाके के बाशिंदों को एसडी जुमरे में लाने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के आमजू कहरीबुल सरनर इलाके का दौरा करने के बाद इमरान ने इन बातों का इजहार किया। बीजेपी ने एक बार फिर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार करार दिया। कुलगाम में हल्का इंतखाबात के अहदेदारान, पंचायती राज नुमाइंदों और वर्करों की मीटिंग मुनक्कद हुई। जिला सांबा के राया मोड़ इलाके में रिंग रोड का काम जारी है। यहाँ रिंग रोड का काम गुंडूत्रा डेरा के लोगों ने बंद करा के इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों का मुताबिक अभी तक उनको उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन में मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत नामुकम्मल रहने के बायस ये अब खंडरात में तब्दील होती जा रही है। इस प्रोजेक्ट का काम 10 बरस कबल शुरू हुआ था। इमारत का ढांचा खड़ा कर दिया गया है लेकिन उसे मुकम्मल नहीं किया गया। इसके नतीजे में न सिर्फ करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तबाह हो रहा है बल्कि लोगों को भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने अपील की है, एलजी से अपील की है कि इमारत के बकाया पैसे वागुजार किए जाएं और इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। भालीसा गुंदवा में जिला इंतजामिया की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। शुरका को बताया गया कि कम शरह सूद पर हुकूमत कर्जा फराहम कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन ने स्कीमों से फायदा उठाने का मशवरा दिया। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम नाफिज करने की हुकूमत के दावों को गलत करार दिया।
पापोर में सुबह शाम के अवकात लोगों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इस हवाले से तहसील इंतजामिया पापोर ने ट्रांसपोर्टरों के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की, लोगों को माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम रखने की हिदायत दी। पापोर वाकये के बाद पटन में SDM सैयद फहीम और SHO ने सिंहपुरा और पटन में मुख्तलिफ दारुल उलूम और यतीम ट्रस्टों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी और मुनासिब सहूलियात के फुकदान पर मुतालिका इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरेज के किलचे इलाके में आग मुतासरीन में रिलीफ टैक्स तकसीम करने का अमल तीसरे रोज भी जारी। मुतासरीन में कंबल, जूते और दीगर सामान तकसीम किया गया। मुतासरीन ने इस इमदाद के लिए अदा किया शुक्रिया। मंशियात के बढ़ते रुझान को रोकने की गर्ज से त्राल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। SDPO मुबशिर रसूल, SHO मुनीर अहमद, सामाजिक कारकुन फारूक त्राली, GM कांट्रो और दीगर ने की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमा बिजली की जानिब से तामीर हो रहे रिसीविंग स्टेशनों का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हायहामा गालेजू में जारी प्रोजेक्टों का काम का जायजा लिया। असातिज़ा और वालिदैन को जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों की बेहतर नशोनुमा परवरिश और उनकी तालीम के सिलसिले में जानकारी देने के लिए अनंतनाग में एक वर्कशॉप का अहतमाम हुआ। चीफ एजुकेशन अफसर अनंतनाग मोहम्मद शरीफ व दीगर मुतालिकीन ने शिरकत की। साउथ कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को मुकम्मल तौर पर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के आलमी दिन के मौके पर हायर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों को एजाज से नवाजा गया। कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर पर नाखेज अफराद ने एक इज्तमाही रैली निकाली। ये लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें माहाना 5,000 रुपये फराहम किए जाएं। बड़गाम में भी माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। टाउन हॉल बड़गाम में तकरीब का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम ने अल्फा इंटरनेशनल और व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद किया। जिला शोपिया के पिंजूरा में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। 12 माजूरीन को स्कूटियां दी गई, व्हीलचेयर्स और कुछ मशीनें और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। आलमी यौम माजूरीन के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपिया में भी एक तकरीब का अहतमाम हुआ। महकमा तालीम के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया। बारामूला में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद किया। फन के मुख्तलिफ जुमरों में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन अंदाज में मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स को यहां एजाज से नवाजा गया। UAE ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाके तैयारे खरीदने के तारीखी मुहदे पर किए दस्तखत। मुत्तहदा अरब अमारात को राफेल तैयारे 2027 में होंगे मौसूल। लीबिया में गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम सदारती इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार। लीबिया के पहले बराह रास्त सदारती इंतखाबात का पहला मरहला 24 दिसंबर को होगा। ओमिक्रॉन पहुंचा 38 ममालिक तक। WHO ने कहा कि पहले से तय हिफाजती इकदाम पर अमल करें लोग। इसराइल में ओमिक्रॉन के 7 मरीजों की अब तक हो चुकी है तस्दीक। 27 मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट आनी बाकी। दुनिया में अब तक कोरोना के 26,51,36,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 52,57,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। मिशन उत्तराखंड पर वजीर आजम मोदी आज देहरादून में विजय महासंकल्प रैली से करेंगे खिताब। कई प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। आज से 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। बॉर्डर पर जवानों के साथ गुजारेंगे रात। पंजाब में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन।
आज किसान संयुक्त मोर्चा की अहम मीटिंग, आगे के आंदोलन को लेकर तैयार की जाएगी हिकमत अमली। साहिली आंध्र और जुनूबी उड़ीसा को तूफान जव्वाद का खतरा, आज साहिल से टकराएगा तूफान, इमदादी और राहत कार्य टीमें तैनात। नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों के लेकर नहीं है एहसास, राहुल गांधी का बयान, हुकूमत पर किसान तहरीक के दौरान हलाक हुए किसानों के अहले खाना को मुआवजा देने से कतराने का लगाया इल्जाम। जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज की मिली मंजूरी, बीएसपी रुकने पार्लियामेंट, दानिश अली ने लोकसभा में उठाई आवाज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मुल्क में दस्तक के बाद मरकजी व रियासती हुकूमतें अलर्ट, कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है तीसरी लहर की वजह, लोगों से एहतियात बरतने की अपील, सख्त की गई सफरी गाइडलाइंस। भोपाल गैस सानिहा की 37वीं बरसी पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद, भोपाल में हुकूमत के जरिए सर्वधर्म सभा का इनेकाद, गैस मुतासरीन और समाजी तंजीमों ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इनेकाद। दिल्ली फसादात के शहादरा इलाके के दो मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मुलजिम को आगजनी के इल्जाम से किया बरी, अदालत ने कहा कपड़े और मोटरसाइकिल दुकान के बाहर जली हुई मिली थी, ऐसे में आईपीसी के दफा 436 के तहत इल्जाम नहीं बनता। इस दफा के हटने पर यह मामला सेशन कोर्ट में नहीं चल सकता, इसलिए बकाया इल्जाम पर समाप्त के लिए मामले को मुतालिका मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजने के लिए फाइल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज दी गई है। कर्नाटक के दावणगेरे यूनिवर्सिटी में तकरीब, मौलाना अबुल कलाम आजाद की हयात व खिदमत पर कलीदी खुतबा, इजलास में उर्दू जबान व अदब पर भी हुई गुफ्तगू। जीएचएमसी में बस्ती दवाखाना को रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह, आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलत पहुंचाना हुकूमत का अज़्म। तेलंगाना में नहीं है ओमिक्रॉन का कोई मामला, डायरेक्टर महकमा सेहत का बयान, हुकूमत नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार, वजीर सेहत हरीश राव का ऐलान। कोरोना से मुतासर 12 मुसाफिर पहुंचे हैदराबाद एयरपोर्ट, टिम्स मुंतकिल, ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच का लगाया गया खसूसी सेंटर। पार्लियामेंट के हाथे में भी टीआरएस एमपीज का एहतजाज, केशव राव ने मोदी हुकूमत पर लगाया गुंडागर्दी का इल्जाम। हैदराबाद के मुजफ्फराबाद इलाके में कर्ज और घरेलू झगड़ों से खानदान हुआ तबाह, अहलिया के घर छोड़ने पर शौहर ने की खुदकुशी, शौहर की मौत के बाद बीवी ने बच्चों के साथ तालाब में लगाई छलांग। आंध्र प्रदेश में उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने में पेशरफ्त, जल्द असेंबली में मसूदा बिल पेश करने का नायब वज़ीर आला अमजद पाशा का ऐलान। पीआरसी पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की वजाहत, आइंदा 10 दिनों के दौरान पीआरसी का ऐलान करने की सीएम ने कराई यकीन दहानी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 138 ताजा केसेस, ओमिक्रॉन का खौफ, बैरून ममालिक से विशाखापट्टनम पहुंचने वाले 30 मुसाफरीन लापता, तलाश जारी। कनोल के इलाका विंस कॉलोनी में अजीमोशान पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया, इफ्तिताही तकरीब में रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान, मेयर कर्नूल, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का मरकजी हुकूमत पर निशाना, कहा मुंबई की सरहद को मरकजी हुकूमत गुजरात और यूपी करना चाहती है मुंतकिल, मोदी हुकूमत महाराष्ट्र के आईएएस और आईपीएस अफसरों का रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए कर रही है इस्तेमाल। शिरडी में सड़क के किनारे दो अफराद की मिली लाश, पुलिस के मुताबिक शदीद सर्दी और बेमौसमी बारिश की वजह से हुई मौत। वसई क्राइम ब्रांच ने 4 घंटों के अंदर चोरों के नेपाली गैंग को किया गिरफ्तार, वसई में चोरी कर गोधरा फरार हुए थे चोर। औरंगाबाद में आलमियों में मजदूर के मौके पर शहर के मजदूरों को तहनियत, कांग्रेस लीडर की मौजूदगी में मजदूरों का इस्तकबाल, मजदूरों के हकूक के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म। अमरावती बल्दिया कमिश्नर दौड़े ने उल्माए के साथ की मीटिंग, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चलाने की उल्मा से अपील, कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से फैलाई जा रही अफवाहों पर तवज्जो ना दे। ओमिक्रॉन वायरस के दो मामला सामने आने के बाद रियासती हुकूमत चौकन्ना, वज़ीर आला बिस्वराज मुंबई की सदारत में अहम मीटिंग, वैक्सीन की दो खुराक लेने वालों को ही मास्क, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स में मिलेगी एंट्री।
सलमान खान नामी नौजवान पर पुलिस मुजालिम का मामला। बेंगलुरु के वर्तूर पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया। हुकूक इंसानी तंजीम और बुकला की एक तंजीम की तहकीक। पुलिस मुजालिम की वजह से सलमान खान का हाथ हुआ जख्मी। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मसीही फिरकों के एक वफद ने पेश किया मेमोरेंडम। कर्नाटक में ईसाइयों को हरासा करने का इल्जाम। ईसाइयों और मिशनरीज को तहफ़ फराहम करने का मुतालबा। तिब्बी नबी की अहमियत और अफादियत पर कर्नाटक के हुबली शहर में मुनक़द हुआ सेमिनार। बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने की शिरकत। झांसी चरगांव में अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली से किया खिताब। बीजेपी और कांग्रेस पर की तनकीद। योगी हुकूमत ने इलाहाबाद के लॉज मूव दौड़ का नाम बदलकर चौधरी चन्नीलाल मार्ग करने का किया ऐलान। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर थे चौधरी चन्नीलाल। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जरिए कौमी यौम माजूर के मौके पर यौम सयाह मनाया गया। साथ ही सिरसिया घाट पर धरना दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वजीर आजम के नाम एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में एक मरतबा फिर से जो मुनाफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं उसकी एएमयू तलबा लीडर मोहम्मद आरिफ त्यागी ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का माहौल है, इसी तरह की कोशिशें आम बात है, सभी को बहुत मोहतात रहने की है जरूरत। प्रियंका गांधी की जानिब से शुरू की गई प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कारकुनान में जबरदस्त जोश। अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस ने प्रतिज्ञा यात्रा के साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और हुकूमत की जमकर तनकीद की। असेंबली में राष्ट्रगीत गाने पर एमआईएम रुकन असेंबली अख्तर उल ईमान ने जताया एतराज। कहा राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, एक संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं स्पीकर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के खिलाफ हुकूमत बनाए कानून। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने किया मुतालबा। कहा तमाम मजाहिब के मजहबी पेशवा का एहतराम जरूरी। स्कूलों से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटाया जाना, उर्दू के साथ साजिश। आरजेडी एमएलए अख्तरुल इस्लाम शाहीन का बयान। पटना जंक्शन पर शराब की स्मगलिंग के खिलाफ छापेमारी। जीआरपीएफ की टीम हर रोज ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर छापे मार रही है, जहां हर रोज किसी न किसी ट्रेन से शराब हो रही है बरामद। कोरोना वबा के दौरान भामी इमदाद इनसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर तावुन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।